आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी की टीम ने नवादा पुलिस के सहयोग से रजौली वन विभाग के रेंजर सह नवादा प्रभारी डीएफओ अखिलेश्वर प्रसाद के आवास पे छापेमारी की। बताया जा रहा है कि मंगल विघा के डीएफओ ने एक किराए के मकान में रह रहे थे, जहां पुलिस छापेमारी की। निगरानी डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि वन विभाग के रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 27 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद नवादा आवास पे छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि यहाँ से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट में नवादा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ एक शिकायत आया था, उसके बाद विशेष निगरानी इकाई में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और फिर यहाँ पे हाउस सर्च के लिए हम लोग आए हुए हैं। क्या मुकदमा दर्ज हुआ था, कब हुआ? भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम और IPC की विभिन्न धाराओं में इन पर FIR दर्ज किया गया है, उसके बाद यहाँ पे हाउस सर्च के लिए हमारी टीम आई हुई। क्या क्या मिला सर? अभी यहाँ से जो कुछ मिला हुआ है उसके आधार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, वित्तीय अनियमितता का मामला बनता है। घर में क्या क्या मिला है सर आज? अभी हाउसर चल रहा है तो फाइनल फिगर आपको नहीं बता पाएंगे हम, जब हाउसर खत्म हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा। नवादा में सर या और कहीं भी? अभी पटना में भी कारवाई चल रही है, वहाँ भी दस्तावेज वगैरह मिले? हाँ, दस्तावेज भी मिले हुए हैं, बट फाइनल फिगर हम आपको जब हाउसर की कार्रवाई खत्म हो जाएगी तब बता पाएंगे।